वक्त कोहराम मच गया जब क्लास 9th में पढ़ने वाले एक नाबालिग ने दुपट्टे के सहारे लटककर अपनी जान दे दी। परिजनों की माने तो नाबालिग युवक मोबाइल पर ज्यादा वक्त बिताता था। तो क्या किसी तरह का कोई वीडियो गेम इसकी मौत की वजह है? क्या कुछ वजह है इसके पीछे? देखिए इस रिपोर्ट में और दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। लखनऊ के सादतगंज थाना इलाके में 14 साल के उत्कर्ष साहू नाम के एक नाबालिग युवक के सुसाइड के बाद से उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन हैरान हैं कि आखिर वो ऐसी कौन सी वजह थी जिसके चलते उनके बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। परिजनों का कहना है कि उनका बच्चा बहुत ही शांत स्वभाव का था और उसका किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था। परिजनों की माने तो बच्चा पहले बाहर जाकर खेलता था, लेकिन जब से उसके पास मोबाइल आ गया तब से वो मोबाइल में ही देर रात तक लगा रहता था। मोबाइल में उसको कार्टून गेम खेलना काफी पसंद था और ज्यादातर समय वो मोबाइल गेम खेलने में ही बिताता था। देर रात मोबाइल यूज करता था, कहते थे भैया सुखी तुमको रात में स्कूल से आए, बस जो है लेट जा तुम्हें कहा है तुम इतना जो है तो तुम जो है, लेकिन यही था वो समझाते थे भैया मोबाइल ज्यादा ना चला, तो इसलिए कोई स्मार्टफोन उसको नहीं दे के दिया। अभी आप लोग ने जानने की कोशिश की किस तरह की बातें करता था, कहाँ वक्त बिताता था मोबाइल पे? मोबाइल पे वैसे तो जो है छोटा बेटा जो है उसके साथ रहता था या कभी कंप्यूटर पे खेल लेता था, और जो है मोबाइल में भी वो वही कार्टून आल्टून वाले जो आते हैं वही देखता था, वही मोबाइल पे कंप्यूटर पे लोड करके उसको वो गेम खेलता था। जैसे इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक बच्चा है 14 वर्षीय, उसके द्वारा फांसी पे लटक करके आत्महत्या रात में किया गया है, और उसके जो डेड बॉडी है उसको जांच के लिए पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम में भेजा गया है। घर के लोगों से हमारी बातचीत हो रही है और पूरी जो परिस्थिति उसकी जांच की जा रही है, और जो भी तथ्य निकल करके आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हाल फिलहाल में कई ऐसी वारदातें सामने आई हैं जिनकी वजह वीडियो गेम बना है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही मौत का कारण साफ हो पाएगा। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।